राजस्थान की 15वीं विधानसभा का 6ठा सत्र जारी है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। विधायक अमीन खान ने ऊंट के संरक्षण को लेकर सवाल पूछा, जहां पर मंत्री लालचंद कटारिया ने इसका जवाब दिया। इस दौरान स्पीकर जोशी ने कहा कि राज्य पशु घोषित करने से क्या लाभ होता है। इस पर मंत्री कटारिया ने बताया कि मैं उस वक्त सदन में मौजूद नहीं था जब ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था। तो वहीं पर विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने अवैध बजरी खनन से जुड़ा सवाल सदन में उठाया, जिसके जवाब में मंत्री प्रमोजन भाया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से मजबूती से पक्ष रखा गया, निजी खातेदारी भूमि में लीज पट्टे दिए गए हैं। तो वहीं सदन में आज MBM विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021 और रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 को विचार के लिए रखा जाए। इसके अलावा कल सदन में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 और दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को विचार के लिए रखा जाएगा। विचार के बाद इन विधेयकों को सदन में पारित किया जाएगा। चलिए अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई, कई ऊंट संरक्षण से जुड़े हुए और अवैध बजरी खनन से जुड़े हुए मुद्दों पर बेसिकली आज अब तक गूंज सुनाई दी, क्या पूरा तस्वीर देखने को मिली आज सदन की, बताएं। बिल्कुल, देखिये सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई और इस दौरान प्रश्नकाल में ऊंटों के संरक्षण का मामला हो या अवैध बजरी खनन का लगातार जिस तरह से हो रहा है उसका मामला हो, DMFT फंड को लेकर और भी जो विधायक है उन्होंने क्षेत्रीय जो मामले हैं वो प्रश्नकाल में उठाए। मुख्य रूप से अवैध बजरी खनन का ये मामला था, ये सदन में गूंजा। मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पिछली सरकार में भी अवैध बजरी खनन हुआ और इस सरकार में भी अवैध बजरी खनन हुआ है, हो रहा है, लेकिन सरकार की मंशा है कि अवैध बजरी खनन पर रोक लगाई जा सके और पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार ने अधिक मामलों में अवैध बजरी खनन के मामलों में कार्रवाई की है। इसके साथ ही शून्यकाल में भी विधायकों ने अलग अलग मामले उठाए। मुख्य रूप से जो फसल खराबे का मामला है, अतिवृष्टि से जहां अधिक बरसात हुई है उससे फसल खराब हुई, उसके मुआवजे का जो मामला था वो आज शून्यकाल में उठाया। इसके साथ ही मुख्य रूप से एक विधेयक विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पंजीकरण है वो भी आज सदन पारित हुआ। विधानसभा में विधेयक था, उस पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद पारित हुआ। हालांकि इसका बीजेपी की ओर से, विपक्ष की ओर से पुरजोर विरोध किया गया और जनमत जानने के लिए डिवीजन मांगा गया। बीजेपी की ओर से उपनेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने ये कहा कि इस विधेयक के पारित होने से, ये कानून बनने से बाल विवाह बढ़ेंगे, विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से बाल विवाह बढ़ेंगे। और इसके साथ ही मुख्य रूप से जो ये विधेयक जिस मंशा से लाया गया है उसका बीजेपी की ओर से विरोध किया गया। निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा, उन्होंने भी इसका विरोध किया, लेकिन ध्वनि मत से विधानसभा में ये विधेयक पारित हो गया। इसके साथ ही अब फिलहाल जो रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 है उस पर सदन में फिलहाल चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष है गुलाबचंद कटारिया, वो अपने विचार इस विधेयक पर फिलहाल सदन में रख रहे हैं। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।